जरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रिसाली में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। बेसिक ऑफ इस्लाम में बच्चों ने ये एग्जाम दिया। जरिया वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य तालीम को लेकर है। जरिया वेलफेयर सोसाइटी समाज में बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहा है। जरिया वेलफेयर सोसाइटी की प्राथमिकता समाज हित के अलावा समाज के बच्चों को शिक्षित करना है। इसी कड़ी में रिसाली में सोसाइटी की जानिब से मिशन तालीम के तहत एग्जाम कंडक्ट कराया गया। बच्चों को इस्लाम की बारीकियों से अवगत कराने के अलावा उन्हें भाईचारा के साथ शिक्षित करना सोसाइटी का उद्देश्य है। कहा जाए कि शिक्षा अगर अपडेट होगा तो जिंदगी में लाइफस्टाइल भी अपडेट होता है और कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो बेस है उसको छोड़ के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ छूट जाती है। तो उस बेस को पकड़ते हुए दीनी तालीम का जो है हम लोगों ने जो मशवरा किया कि इसको पकड़ करके जो है मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपडेट रखा जाए, उसके तहत जो है हम लोग शिक्षा विथ इस्लामिक कल्चर विथ मॉडर्न एजुकेशन का एक कम्बिनेशन है ये, जिसको एक आगे बहुत ही अच्छा रूप देने का कोशिश किया जाएगा। इसमें हमारे जो भी सहकर्मी हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं परवेज भाई और उपाध्यक्ष हैं नवेद भाई, हम लोगों ने अब तक जो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं जरिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, आज बच्चों के एग्ज़ाम करवा रहे हैं हम लोग। दूसरा, कोरोना काल में जितने भी लोगों को ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, बहुत लोगों की मौत हुई, आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जरिया के माध्यम से लगभग 12 से 13 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन जो आती है वो हम लोगों ने मुहैया कराया, और जिन लोगों को भी ज़रूरत पड़ी उन लोगों को हम लोग निःशुल्क इसमें मदद किए हैं। सभी बच्चों के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे मास्क वगैरह का हम लोगों ने इंतज़ाम किया, सैनिटाइज़र वगैरह का, और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे डिस्टेंस मेंटेन करवाया है। सभी लोगों को गाइडलाइन दी गई कि सभी लोग इस चीज़ का पालन करें। हम लोग जो मिशन तालीम है उसी पे फोकस कर रहे हैं, और बच्चे आजकल देखा गया है कि हमारे कौम के बच्चे जो दुनियावी तालीम मतलब इंग्लिश हिंदी में एजुकेशन में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक इस्लाम के बारे में कोई जानना नहीं चाह रहा था या इंटरेस्ट नहीं था या टाइम नहीं था। बच्चों के पास आज इतनी पढ़ाई हो गई कि वो दूसरे इसमें टाइम नहीं दे पाते, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चों के पास पहुँच कर इसके लिए वक्त निकाला जाए और इस्लाम के बारे में वो जानकारी ले। एग्ज़ाम लेना हमारा मिशन नहीं है, है ना, हमारा मिशन है कि बच्चों तक तालीम पहुंच जाए। एग्ज़ाम तो उसका एक सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है कि बच्चों तक तालीम पहुंच जाए। और इसके अलावा जो जरिया काम कर रही है वो इंग्लिश हिंदी में जो एजुकेशन होती है उस पर भी काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 5 से 6 बच्चे हैं जो इस पर करीब 2 से 2.5 लाख रुपये खर्चा आ रहा हमारा साल का। इसको हम आगे बढ़ा के कम 15 बच्चों तक अगले साल जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग किसी से सहयोग नहीं लेते, हम लोग आपस में ही कलेक्शन करके और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक इदारा है जिसका नाम है जरिया वेलफेयर सोसाइटी, जो ये बच्चों का बेसिक ऑफ इस्लाम का पेपर लेती है, मतलब उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जो आज ये हमारा, जबकि जरिया वेलफेयर को स्टार्ट हुए लगभग 2 साल हुआ है, मगर ये पहला साल है हमने जो बच्चों का एग्ज़ाम हम लोगों ने कंडक्ट किया है बेसिक ऑफ इस्लाम का। अभी वैसे शुरुआत तो हमारी, हम लोगों ने रिसाली क्षेत्र से ही स्टार्ट किया है, और हम क्या पहला साल होने की वजह से क्या कई जगह हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, अब मगर अब ऐसा कोशिश है कि पूरे भिलाई में फिर उसके बाद आगे भी बढ़े, क्योंकि ये तंजीम का जो एग्ज़ाम है कई शहरों में होता है, पूरे इंडिया में होता आया है, तो इसलिए अब उसका अब हम लोग यहाँ पर चालू किए। एक्चुअली में जो जरिया वेलफेयर सोसाइटी जो है इसका मेन काम यही है, देखा होगा आपने बोर्ड में लिखा है मिशन तालीम। मिशन तालीम में ये है कि जो गरीब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की फ़ी नहीं दे पाते हैं या ट्यूशन फ़ी नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह के बच्चों को हम पिछले 2 सालों से उनकी ट्यूशन फ़ी, स्कूल फ़ी और इवन बुक्स के पैसे भी मुहैया कराते आए हैं, देते आए हैं, जिसमें आज तक के लगभग अपन ने कितने 5 से 6 बच्चों का पूरा उनका एजुकेशन का खर्चा देते आए हैं। उसमें प्राइवेट स्कूल वाले ही हैं लगभग सब बच्चे, और उनके ट्यूशन फ़ी भी जो है वो भी देते हैं। आगे लक्ष्य यही है कि मिशन तालीम ही हमारा मेन फोकस है, तालीम और सिर्फ तालीम, हम और किसी भी क्षेत्र में हम लोगों की मदद ना करके सिर्फ बच्चों की हम एजुकेशन में ही मदद करें। बहरहाल बच्चों ने इसमें जागरूकता पूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए एग्जाम दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।